प्याज ग्राइंड कर ली अम्मी हमने। अब प्याज डाल ली अम्मी। हाँ, प्याज ग्राइंड हो गया है, इसके अंदर डालेंगे, इसका पानी खुश करेंगे। अच्छा, पानी इसका खुश होगा। गोभी तो आलू बनाएंगे आज। अच्छा, गोभी और आलू बनाएंगे। ये आटा जड़ा है ना, वो छान के रख दिया है, अभी आटा गूंथते हैं। अच्छा, फिर शाम को रोटी वगैरह बनाएंगे। अच्छा, अम्मी आप आलू डालने लगी। आलू पहले डालने लगी हूँ कि इसके अंदर गल जाएंगे, फिर मसाले डालेंगे। अच्छा, इस तरह आलू पकाते हैं। अच्छा, इस तरह पकाते हैं। ये इसके अंदर गल जाएंगे, फिर गोभी तो देर ही नहीं लगती। अच्छा, इस तरह आलू जल्दी गल जाते हैं। अच्छा अम्मी, हमने ढक्कन उतार दी है। हाँ, मसाले डालेंगे। अच्छा, मसाले डालेंगे। इसमें हमने नमक डाला, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्चे, दो चम्मच मिर्चे, सूखा धनिया एक चम्मच, मीठा हुआ एक चम्मच, और चाँदी पाउडर एक चम्मच, दो। अब इसमें डाल के ये भून रही हैं मैं मसाले। देखे कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब मम्मी इसमें तेल डालेंगी, तेल थोड़ा सा डालेंगी, ये मम्मी हला रही है। अब ये पक रहा है, अब क्या डाल दिए? ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। अच्छा, कल हरी धनिया किस लिए डालते हैं? ये खूबसूरती वास्ते भी, वैसे भी अच्छा होता है। अच्छा, खूबसूरती के लिए। ये मैं मसाले चेक कर रही हूँ, बहुत मज़े का लग रहा है, सब कुछ पूरा है। ये मैं आप हला रही है ना इसको, सही पक जाए। हाँ, सही मसाला भूनेंगे ना, भूना हुआ मसाला कच्चा नहीं रहता। अच्छा, फिर मिर्ची थोड़ा भूनो तो मिर्ची जड़ी कच्ची कच्ची रह जाती है, मिर्ची कच्ची कच्ची रहती लगती है। ये सही मसाला भून जाए तो फिर गोभी डालेंगे बाद में, गोभी डालती हूँ। अच्छा, गोभी बाद में डालेंगे। डाले गोभी गोभी डाल रही है, गोभी डल गई है, फूल गोभी है मतलब। ठीक हो गया, इसको बेस करेंगे, इसके साथ मिक्स करेंगे, फिर आस्ता दम दे देंगे, गवर्नमेंट रख देंगे, पानी वगैरह नहीं लगाते, फिर ता ही अच्छी पकती है। सही हो गया, बेस करें इसको। आप खड़ी खड़ी पका ला भाई, मज़े की होती है। मज़े की बनेगी जब देखोगे ना, खाना खाओगे तो फिर देखना मज़े में बनेंगे। क्या खाए? बड़े मज़े बना है। मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।